मांग लिए, यूं मैं फिर आ जाऊंगा। इस वक्त मैं अपनी माँ का आसरा देखता हूँ, कब आते हैं मेरी माँ ने से शुभेच्छा मांग कर। हेलो भगवान। अब मेरा बेटा बहुत होशियार हो चुका है और वो पढ़ने लिखने की लायक हो चुका है। अभी मैं उत्तम को बुलाऊंगी और आज दिन से मैं उत्तम का नाम गुरु पाठशाला में नाम एडमिशन करा दूंगी। ठीक है, मैं उत्तम को बुलाती हूँ। खुश रहो उत्तम। उत्तम हाँ माँ। मैं तुम्हें किस लिए बुलाऊं तुम्हें मालूम है? मुझे कुछ मालूम नहीं है माँ। उत्तम अब तुम बहुत होशियार हो चुके हो और पढ़ने लिखने की लायक हो चुके हो। उत्तम हाँ माँ। मैं चाहती हूँ आज दिन से तुम्हारा नाम गुरु पाठशाला में नाम एडमिशन करा दूँ और आज दिन से तुम पढ़ने के लिए जाना जाओ। माँ मैं गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए नहीं जाऊँगा माँ। तो कहाँ जाओगे? मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊँगा माँ। मारते मेरे बेटे को महाराणी जी। अभी पहले उत्तम को आप देखिए ही नहीं हो? बिल्कुल देख रही हूँ। अभी देखिए ढोड़ी का घाव नहीं छूटल है। हाँ नहीं छूटा है। इस समय ये जाएंगे जंगल। जंगल भाई उत्तम कुमार, इस समय तुम्हारी माँ जो भी समझा रही बिल्कुल सही समझा रही है। माँ की बात मान लो और चलो, इस समय तुम्हारा नाम चौसा में लिखवाएंगे। हाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे और मोटका सर बनाएंगे। सर नहीं तो मने बना दो। अफसर बोलिए। उत्तम हमा तुझे मालूम नहीं, जंगल में बहुत बड़े बड़े शेर रहते हैं, भालू रहते हैं। अगर तुझे कुछ हो जाएंगे तो महल में मैं कैसे जीऊंगी? माँ अगर तुम आदेश नहीं देगी तो मैं जा रहा हूँ, जहर खा के मर जाऊंगा। माँ कहाँ भेज रहे हैं? मेरा
जहर खावे दो क्या यह न मरता अभी कंपनी चलवे न छै जो अभी है इसके बारे में सोचिए कंपनी की करबो महाराणी जी हाँ। इस समय उत्तम कुमार जहर खाने की धमकी दे रहे हैं हाँ। अगर उत्तम जहर खा लेंगे हाँ। ये मर जाएंगे हाँ। अगर जंगल जाएंगे आज नहीं आएंगे कल आएंगे बिल्कुल तो फिर से आएंगे ना हाँ। सबसे बढ़िया उत्तम को आदेश दे दीजिए ठीक है मैं आदेश दे देती हूँ और हथियार देखिए ओ तो यही हथियार से खेलेंगे शिकार ये उत्तम का खानदानी हथियार है हाँ। ये हथियार को पहले उत्तम के दादाजी चलाते थे अच्छा वो बुढ़ा खत्म हो गया रिटायर अब उसके बाद उत्तम के पिताजी चला रहे थे अच्छा उसका भी समय पूर रहा है अब आज दिन से हथियार को उत्तम चलाएंगे क्यों नहीं रे उत्तम आखिर बेटा किसका है और बेटा राजा उत्तम पाल सिंह का है हाँ। उत्तम तुम जाओ जंगल शिकार खेलने के लिए लेकिन जल्दबाजी में आ जाना शिकार खेल के माँ लेकिन ये चलता है कैसे मंत्री भैया बताएंगे मैं जाती हूँ माल ये क्या कर रहे हैं बता रहे हैं वैसे बताएंगे चलते हुए नहीं बताए भाई उत्तम कुमार हाँ मंत्री भैया माँ गोरा लागे ले अखन के आशीर्वाद रहता हूँ खुश वाला रहे अब चलते रहा मैं खुश करवा उन्हें ठीक है मंत्री भैया भाई उत्तम कुमार चल यहाँ से जंगल चलने की प्रयास कर क्यों नहीं ये धरी है रे अली अली यही रे बाबा पातली लेटा करिया रे इसे छोड़ दीजिए क्योंकि अभी बच्चे हैं क्या आप इसे नहीं छोड़ेंगे क्या इसे खा जाएंगे हे मित्र जी मेरे प्रिय मित्र इसे छोड़ दीजिए क्योंकि अभी बच्चे हैं क्या आप भजन सुनना चाहते हैं क्या अच्छा मैं समझ गया आप मेरे मुखारविंद से आप भजन सुनना चाहते हैं आप कई दिनों से भजन नहीं सुने क्या बिल्कुल अच्छा इसीलिए ठीक है हंसते रहिए मैं सुना रहा हूँ हेलो आज मैं अपने मित्र को अपने प्रिय मित्र जानवर को मैं आज मैं भजन सुना रहा हूँ ले लो सहारा हरि नाम का ले लो सहारा हरि नाम का ए जी राम बिना जिना